आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एन एनिमल पॉलीसैकेराइड इज, पहला ऑप्शन है अमाइलोपेक्टिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज एंड फोर्थ वन इज एमाइलेज। तो पहले हम देख लेते हैं जो एनिमल पॉलीसैकेराइड्स होता है ये क्या होता है। पॉलीसैकेराइड्स जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का जो नंबर होता है अगर वो 10 से ज्यादा हो, तो 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जब एक साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक पॉलीमर टाइप चेन फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। 10 से ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मोनोसैकेराइड्स होता है 10 से ज्यादा, वो जब एक साथ मिलके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो एनिमल पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो पॉलीसैकेराइड्स एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है हम उसको कहते हैं एनिमल पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हैं हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन एनिमल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। पहला है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। अब ये एमाइलोपेक्टिन क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के एक कंपोनेंट है। ओके, स्टार्च के एक कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन। ये क्या होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है ये। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज एक साथ जुड़ के ये बनता है। यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, तो उसको हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। अब ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च क्या है, ये स्टार्च बेसिकली प्लांट पॉलीसैकेराइड है। ओके, ये प्लांट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम राइस खाते हैं, जो पोटैटोज लेते हैं, वहां पे काफी सारे अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो एमाइलोपेक्टिन है ये भी प्लांट के ही एक पार्ट है, प्लांट पॉलीसैकेराइड हम कह सकते हैं इसको। ये एनिमल बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, दूसरा जो ऑप्शन है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे ह्यूमन जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। हम जो ग्लूकोज हमें जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो स्टोर रहता है एज अ ग्लाइकोजन फॉर्म। ओके, ग्लाइकोजन फॉर्म जब हमें जरूरत पड़ती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, जब हमें जरूरत पड़ता है हमारे बॉडी में एनर्जी के, तब क्या होता है, ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ओके, ये मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें हमारा जो डिजायर्ड एनर्जी है वो मिल जाता है। तो इसीलिए ग्लाइकोजन कहाँ पे रहता है, ह्यूमन बॉडी यानी कि एनिमल बॉडी में ये रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ग्लाइकोजन है ये एक एनिमल पॉलीसैकेराइड है। ओके, एनिमल पॉलीसैकेराइड, ओके, एनिमल पॉलीसैकेराइड है ये। तो ये होता है ग्लाइकोजन। तो अब हम ऑप्शंस अगर चेक करेंगे, ऑप्शन टू पे था ग्लाइकोजन, जो एक एनिमल पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। अब हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज होता है जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, उस बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है सेलुलोज। ये भी प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट सेल के जो सेल वॉल होता है वहां पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है। तो इसीलिए सेलुलोज को हम क्या कहेंगे, सेलुलोज भी प्लांट में ही मतलब रहता है, तो प्लांट पॉलीसैकेराइड है ये एनिमल बॉडी में नहीं रहते। अब फोर्थ ऑप्शन था एमाइलेज। एमाइलेज भी क्या है, एमाइलेज भी एक स्टार्च का कंपोनेंट है। ओके, एमाइलेज जो है ये भी स्टार्च का एक कंपोनेंट है। ये क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज इसके पॉलीमर होता है। ओके, ये इसके पॉलीमर होता है। यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो जो अल्फा डी ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टार्च। तो इसीलिए स्टार्च क्या है, स्टार्च है प्लांट पॉलीसैकेराइड। तो इसीलिए एमाइलेज जो है ये भी प्लांट पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द ओनली एनिमल पॉलीसैकेराइड जो हमें ऑप्शन पे, ऑप्शन टू पे है। ओके, सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।